हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक भाभी की लाइफ। मैं गुड़िया और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के मतलब 10 ही बज रहे हैं, तो मैं 10 बजे से हमारा रूटीन हम चालू किए हैं, तो 10 बजे से ब्लॉग में हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो आज दिन भर का रूटीन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं दिन भर क्या क्या करती रहती हूँ, और घर में हमारी जो भी काम है मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी। और दोस्तों, आज मतलब बहुत मुझे काम है बहुत सारा। तो यहाँ पर हम पहले चाय बनाते हैं, और चाय बनाकर हम पहले चाय बिस्किट खा लेते हैं, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और यहाँ पर हम बच्चों को स्कूल छोड़ दिए हैं, मतलब बच्चों को नाश्ता वास्ता करा के बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर तब नाश्ता मतलब क्या मैं पहले चाय बिस्किट खा रही हूँ, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो मैं सुबह से उठती हूँ, तो मुझे 9 बजे आज मैं सो के उठी, बहुत देरी भी हो गया था। तो पहले मैं नाश्ता वास्ता बना के बच्चे लोग को छोड़ दी स्कूल, उसके बाद मैं यहाँ चाय पी के, चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं खाना बनाने के लिए आ गई। तो हमारा मैं थोड़ा वीडियो कट कट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारा चावल बन चुका था। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आज हम क्या सब्ज़ी बना रहे हैं हम बताते हैं आप लोगों को। पुई साग कच्चू और आलू दे के सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कच्चू में दूसरे वाले कढ़ाई में हल्का फ्राई कर ले रही हूँ, यदि फ्राई नहीं करूँगी ना तो वो बोलता नहीं है, गला काटता है। तो कच्चू और कच्चू पुई साग आलू देके बनाने से बहुत ही मस्त सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर हम कच्चू को हल्का सा मतलब फ्राई कर लिए, जो थोड़ा सौंधा सौंधा लगेगा तो अच्छा लगेगा सब्ज़ी के संग, थोड़ा जो लस लस करता है ना वो कम होगा, तो इस वजह से हम फ्राई करके ही डालते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर रही थी मसाला से, तो मुझे ना इतनी मतलब मुझे मसाला से एलर्जी है, तो मुझे मसाला से छींक आ रही थी बार बार। तो यहाँ पर हम हल्का पानी देके ढक देंगे, हमारी सब्ज़ी धीमे आंच में पकती रहेगी। तो क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वो सब्ज़ी, ये वाला सब्ज़ी बनने में, और वहाँ पर मैं खाली छीके जा रही थी। उसके बाद दोस्तों, मैं चली आई बाहर, अपने घर के बाहर। तो आज हम अपने घर के बाहर का लुक हमारा ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते कितना सारा रस्सी बंधा हुआ है, तो ये हमारे आंगन का घर के बाहर का सीन है, मतलब दिखा रहे हैं आप लोगों को। और मैंने कपड़ा डाला हुआ था सुबह में, तो यहाँ पर हम बच गए थे मैक्सिमम 12। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा सारा सूख गया था, और यहाँ पर हम कपड़ा उठा ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देरी धूप, आजकल बहुत मतलब कड़ा धूप निकल रहा है, और कपड़ा जल्दी जल्दी सूख जा रही थी। तो यहाँ पर 2-3 घंटे से हमारा कपड़ा भी धूप में जल रही थी। तो मैं सोची कि नहीं, वहाँ सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी मैंने गैस में चढ़ा के उसके बाद मैं यहाँ पर कपड़ा उठाने चली आई थी। तो उसके बाद उठाने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट घर में चली आई, उसके बाद कपड़ा को अच्छे से पार्ट कर ले रही हूँ क्योंकि उधर खाना भी बनता रहेगा। तो यहाँ खाना हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैं कपड़ा उठा के आई, तो सब्ज़ी पहले मैं गैस को बंद करके उसके बाद कपड़ा पार्ट करने लगी। यहाँ पर मैं कपड़ा जल्दी जल्दी फटाफट पार्ट कर लूँगी, पार्ट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने 4 मुर्गी पाला हुआ था, तो वो मुर्गी पता नहीं अभी कौन सा वायरस चल रहा है, तो सबकी मुर्गी मर गई थी, मेरी ही मुर्गी बची हुई थी जो मैंने पाला हुआ था। तो वो सब बोल रहे थे काट के खा लो नहीं तो ये भी मर जाएगी, तो मैं बोली चलो अच्छा ही है। तो मैं देसी मुर्गी थी तो मैंने यहाँ पर काट दिया था। तो हमारे हस्बैंड जी यहाँ पर मुर्गी छील रहे थे। तो यहाँ पर छीलने के बाद दोस्तों, दिन भर मतलब आज हम काम करने में लगे रहे, तो आज काम ख़त्म होने के बाद मेरे हस्बैंड जी बोले ठीक है तुम आज बहुत मेहनत कर लियो, तो चलो हम कहीं तुम्हें आज ले जाते हैं घुमाने के लिए। तो
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मुर्गी को छील ले रही थी, मतलब उसका पंख वंख जितनी भी थी मैं साफ़ कर ले रही थी, गरम पानी खौला के साफ़ कर ली। यहाँ पर हम साफ़ हमारे हस्बैंड भी कर रहे थे धीरे धीरे, उन्हें मतलब हैबिट नहीं था करने का, तो फिर भी वो धीरे धीरे हमारा साथ दे रहे थे छीलने में। तो यहाँ पर हम गर्म पानी करेंगे, उसके बाद अच्छे से मुर्गी को गर्म पानी में डाल के अच्छे से छील लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं तैयार हो गई, फटाफट तैयार होके अपने हस्बैंड के संग चली घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे हस्बैंड जी तो बोले थे कि चलो लेके जाएंगे तुमको, तो कहाँ लेके जाएंगे ये तो पता था कि कहीं लेके जाने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। खाली बोले कि चलो हम तुमको लेके जाते हैं, तो हम ले ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे यहाँ मार्केट का देख सकते हैं पूरा नज़ारा कैसा है, यह हम लोगों का मार्केट है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेके चले आए थे मिल्क शेक खिलाने के लिए, तो मैं मिल्क शेक ले ली थी और यहाँ पर मुझे मिल्क शेक बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर मिल्क शेक मतलब खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो बहुत दिन हो गया था मैं तुम्हें नहीं लेके आया था, इसी वजह से मैं इस जगह पे ले आएगी, तुम कुछ खा पी लो। तो यहाँ पर हम ख़रीद लिए और यहाँ पर हम खा रहे थे, और मेरे हस्बैंड जी को हम बोल रहे थे आप भी खाइए, तो मेरे हस्बैंड जी बोले नहीं मुझे नहीं खाना है तुम खाओ। और तो मैं यहाँ पर खा रही थी, तो खाते खाते हमारे नकाब में थोड़ा सा गिर गया था, तो उसे मैं झाड़ने लगी। उसके बाद सब यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, तिरछा वीडियो आया क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को यहाँ पर वीडियो करने आ नहीं रहा था, फिर भी चलो जैसे तैसे की है मैं ऐसे ही डाल दे रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो दिखाना था मैं कहाँ आ रही थी। तो यहाँ पर मैं फिर भी अपने हस्बैंड को एक चम्मच खिलाई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा खाना पीना अच्छे से